Hello, hello, hello. हेलो 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 अच्छा आवाज क्लियर आ रही है सबको बताइए प्लीज गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग ऋषभ शिवम तहा सुदेश आरुषि शिवम तहा राधिका आशीष ईशा आदित्य यशिका चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको बताइए मुझे बताइए प्लीज बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आखे <laughs> बहुत बढ़िया सो गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे ठीक है कैमरामैन भी दर्शन खरे और दर्शन खरे यहां पे ठीक है चलो वो नहीं क्या एक सेकंड होल्ड डिस्टरबेंस से। है चलो तो आज का है हमारा 14th नंबर का लेक्चर एनक्रिप्शन के डिटेल्स का या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के लेक्चर्स के डिटेल्स का लेक्चर आज रिलीज हो जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी रिलीज होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए जो है दर्शन खरेज लॉजिक्स करके ठीक है इसको आपने करके रखना है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद के नियरली वीडियो हम उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने वाले हैं जो अपडेट्स वगैरह आते हैं वो पहले उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं फिर इस चैनल के ऊपर आते हैं तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर है कुछ लाइव चैट्स वगैरह भी मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो तो वहाँ पे आते ही, यहाँ पे भी आते हैं दोनों चैनल्स पे आते हैं पर आ, अगर मैं कोई लाइव अपडेट आता हूं खुद के इंटरेक्शन करने के लिए आता हूँ तो उस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा ठीक है एक्स्ट्रा कैमरामैन नहीं बेटा मैं मैं खुद ही मैं, मैं को दूसरा कैमरा मैन रखने के लिए मेरे को कहीं और जॉब करना पड़ेगा ठीक है इसलिए मैं ही खुद काम कर लेता हूं तुम्हें तो पता तो है मैं गरीब आदमी हूँ करके मैं मतलब क्या कर लूंगा कैसे रखूंगा मैं किसी और को ठीक है तो ये चीज को तुमने याद रखना चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सोट्रेट करना अभी तक के हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे रेडी लेट्स लजगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमने शुरू किया था कैरेक्टर्सिस्टिक्स ऑफ द कंपनी चैप्टर्स के नाम तो सबको याद हो गए होंगे फटाफट -फड़ बोलते हैं एक बार उल्टा ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 139 से लेके 148 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 128 से लेके 138 डिविडेंड दैट इज 123 से लेके 127 उसके बाद में मैनेजमेंट uh, एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122 उसके बाद में चार्जेस ऑन साइट 77 से लेके 87 उसके बाद में

Clear Limited, और दूसरा केस देखा था दैट इज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए ग्रामोफोन ग्रामोकोनर कंपनी वर्सेस स्टैनली एंड दूसरा था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फिर हम आए थे हमारे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अरे कंपनी है पर्दा कंपनी के पीछे लोचा किया है कंपनी को फिर बे है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है ठीक है सो इस चीज के अंदर हमने सबसे पहले क्या याद रखना है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इट इज अ वेल इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन सेकंड बिहाइंड द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट्स इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव फ्रॉड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इनसे कॉर्पोरेट वेल लिव दर्पोरेट हॉक्स लिव दर्पोरेट शाम लिव द कॉर्पोरेट क्लॉक चार नाम मैंने कल इसके बताए थे हॉक्स क्लॉक शाम वगैरह ये सो नो एंड उसके बाद में जोन वर्स इज लिपमैन दैट इज फ्रॉड गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्स इज हॉर्न इम्प्रॉपर कंडक्ट उसके बाद में हमने देखा था दर हमारा कौन सा वाला केस वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक वेलफेयर वाला पॉलिसी उसके बाद में ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ठीक है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हमने देखा था केस लॉ जिसके अंदर लाइसेंस वाला था पब्लिक वेलफेयर पब्लिक पॉलिसी वाला केस लॉ फिर उसके बाद में हमने देखा था एल जी फिल्म जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया आप एजेंट करके वर्क नहीं कर सकते तो कल हमने देखा था शाम ने रेवेन्यू के लिए पब्लिक के साथ फ्रॉड किया और ऐसे के इसमें एजेंसी बनके उसने रेवेन्यू कमा लिया ये कुछ हमने मेमोरी टेक्निक बनाया था आई आई होप आपको वो याद होगा कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना कल एक केस बाकी था जो हमारे बुक्स के अंदर भी दिया गया है वो केस आपको देखना जरूरी है अगर आपको आज के डेट में बुक्स पहुंच गए होंगे नहीं पहुंचे है, कोई दिक्कत नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको पहुंच जाएंगे एक दो दिन के अंदर हमने नियरली सभी बुक्स का शिपमेंट कर दिया है सो अगर आपको आज के डेट में बुक्स पहुंचे नहीं होंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम सब बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना सुबह की शुरुआत ही पेन बंद होने से होती है कैसे होगा मेरा जिंदगी में कई कै, कैसे हो सकता है मेरा जिंदगी में सो so, ये जो है आज हम शुरू करने वाले हैं रिगार्डिंग गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस होन ठीक है नहीं हाँ एक कल केस रह गया था उस केस का मैं आज आप नाम बता दूं न्यू होरिजोन्स लिमिटेड यू यूओआई यूनियन ऑफ इंडिया ये केस आपके बुक में मैंने देख रहा है ये भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का ही केस है पर ये केस थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल है तो कल हम ले नहीं सकते थे तो आज मेरे को थोड़ा से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना ठीक है बड़े अच्छे से कोई चाइनीज पेन नहीं नालायक कितने बेकार लोग हैं लगे चाइनीज पेन वगैरह बोलते चुप कोई खुद ने बोलेगा मेरे पेन को मेरा प्यारा पेन लव यू पेन ठीक है लजका स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना लजका फर्स्ट थिंग अगर हम देखें, इन्फोसिस इन्फोसिस जिन्होंने बनाई थी वो थे एक नारायण मूर्ति नारायण नारायण वो वाले नारायण नहीं नारायण मूर्ति वेरी इंस्पिरेशनल वेरी मोटिवेटिंग पर्सन

तो ऐसे सिचुएशन में हमने इन्फोसिस के अंदर बेसिकली देखा जाए तो नारायण मूर्ति एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा था नारायण मूर्ति एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा था हमने नाउ नारायण मूर्ति एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हम बात करें केस बहुत इंपॉर्टेंट है यह केस एग्जाम में आ सकता है आपने इसकी तरफ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना आपने जब नारायण मूर्ति को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा था तो आपने नारायण मूर्ति का जो क्वालिफिकेशन था वही क्वालिफिकेशन आपने ले लिया था इंफोसिस का समझो एक नई नवेली कंपनी है मैंने एक नई कंपनी बनाई कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड ये अभी 2000 करोड़ का टर्नओवर 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक करोड़ का डिविडेंड और फॉर्च्यून 500 में वन एटी फिफ्थ रैंक के ऊपर कंपनी नहीं पहुंची है तो कंपनी का नाम है दर्शन इस्पात लिमिटेड फॉर्च्यून फाइव में वन एटी फिफ्थ रैंक पर कंपनी अभी तक नहीं पहुंची है बड़ी कंपनी नहीं बनी है और इस कंपनी का समझो मैं प्रमोटर हूं मैं डायरेक्टर हूं मैं प्रमोटर हूं मैं ही मेंबर और मैं ही डायरेक्टर हूं मैं ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं अब जब कभी भी दर्शन सर जब कभी भी इस कंपनी से अगर यह नई कंपनी है नई नवेली ताजी ताजी कोरी -कर करी गरम गरम कंपनी बनी है और अगर आप इस कंपनी के साथ डील करने के लिए आते हो यू कम टू डील विद कंपनी तो आप कंपनी से डील करने के पहले देखते हो कंपनी के पीछे कौन है कौन ऐसा पर्सन है जो इस कंपनी को संभाल रहा है आप कंपनी के पीछे झाक के देखते हो कि हु इज द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंपनी तो आपको दिखा मैं जैसे ही मैं आपको दिखा तो आप ये ढूंढते हो कि भैया पर्सन तो दिख गया पर ये काबिल पर्सन भी है क्या हम नए कंपनी में डायरेक्टली कंपनी का नाम देख के इन्वेस्ट नहीं करते आज हम टाटा टाटा में ता -ता का नाम देख के इन्वेस्ट कर लेंगे कंपनी कंपनी का इंफोस्यस में इंफोस्यस ता -ता का में नाम देख के इन्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि कंपनी का गुडविल बना है पर अगर दर्शन इस्पात लिमिटेड नई कंपनी है तो कंपनी का तो गुडविल है ही नहीं ना बच्चों जब नई कंपनी है तो नई कंपनी का गुडविल ही नहीं होता तो इससे डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो तुम मुझे देखोगे अरे दर्शन सर है तुमने मेरे से बात की तुमने बोला हेलो मैंने इस साइड होके बोला हेलो तुमने बोला सर तुम्हारा नाम मैंने बोला दर्शन खरे तुम बोले तुम्हारा क्वालिफिकेशन मैंने बोला शी एस बेकाम मैंने मेरा क्वालिफिकेशन बोला शी शी बेकाम जब तुमने ये सुना कि मेरा क्वालिफिकेशन बेकाम हूं मैं मेरे को काम नहीं है मेरे को जॉब भी नहीं है मैं तो जॉब भी नहीं करता पता तो है तुम्हें ये सुनो तो जब मैंने मेरा क्वालिफिकेशन बच्चों तुम लोगों को बोला तो ऐसे सिचुएशन में तुमने उस क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया क्या हो रहा है ए, मा शक्ते। आज मतलब पेन बंद होने से शुरुआत हुई है so, सो जब मैंने तुमको बोला मेरा काम है, शीए, शीए बेकाम, ये मेरा है तो तुमने देखा कि बंदा सीए है सीएस है बेकॉम है ठीक है और फिर तुमने सोचा यार बंदा सीएसएस बीकॉम है तो चलो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है यही अगर मैं बोलता कि मैं सीए सी एस सी एम ए बीकॉम नहीं हूं मैं सिर्फ बिकॉम हूं मैं सिर्फ बिकॉम हूं तो क्या आप इस कंपनी में उतने ताकत से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते जितना तुमने मेरा क्वालिफिकेशन देख के कॉन्ट्रैक्ट किया बात है मुझे इस चीज का जवाब चाहिए अगर मैंने तुमको इसके एडिशन में बोल दिया टेक लेट्स से कंपेयर नहीं कर रहा बट सी बात है, जो पढ़ाई करके, करके आगे बढ़ता है उसका क्वालिफिकेशन हमेशा ज्यादा ही होगा ठीक है तो अगर मैं दो डिफरेंट टाइप के कोर्सेस यहां पर लू जैसे अगर मैं बोलू कि आई एम अहमदाबाद इंस्टीट्यूट से आई एम एम अगर मैंने बोला आई से मैंने किया है इंजीनियरिंग ठीक है अगर मैंने बोला मैंने सी ए किया है मैंने सी एस किया है मैंने सीएम ए किया है ऐसे कोई भी डिग्री मैं आपके सामने रख दू जो बहुत ताकतवर है अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अनकालीफाइड हूं अनकालीफाइड और अगर मैं आपको बोलूं मैं चौथी फेल हूं फोर्थ फेल मैं स्कूल में कभी गया ही नहीं दो सवेरे में स्कूल में गया दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को छोड़ने घर पे वापस आई मैंने बोला चौथी फेल हूं मैं अब मुझे एक बात बताओ तुमने दर्शन इस्पात लिमिटेड का कोई गुड़विल नहीं सुना दर्शन इस्पात लिमिटेड तुम्हारे लिए नई कंपनी है अब जब नई कंपनी होती है तो नए कंपनी से डायरेक्टली कोई डील नहीं करता उससे डील कैसे करते हैं उसके का क्वालिफिकेशन देख के अगर मैंने यहां पर आपको बोला कि मैं सीएसएस बी कॉम हूं तो मुझे एक बात बताना क्या आप मुझसे क्या आप दर्शन इस्पात लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे देर आर चांसेस हमेशा करोगे जरूरी नहीं है तो देर माइट भी आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे माइट भी आप दर्शन इस्पात लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे माइट हो सकता है आप करोगे शायद हो सकता है तुम हमसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे लेकिन वही मैं बोला कि यार मैं अनक्वालिफाइड हूं तो 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 यहां यहां प्योर प्योर नो आ जाएगा नो तो no आएगा आप तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करने वाले तो सिंपली कहना क्या चाहता हूं जो आपके प्रमोटर्स का क्वालिफिकेशन होता है ना जो आपके मेंबर्स डायरेक्टर्स का प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन होता है कंपनी शुरू करते वक्त कंपनी शुरू करते वक्त जो प्रमोटर डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन होता है उसी क्वालिफिकेशन को कंपनी का भी क्वालिफिकेशन माना जाता है उसी, और इसी के ऊपर केस लॉ है कि भाई जो प्रमोटर डायरेक्टर का स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन होगा वही कंपनी का क्वालिफिकेशन माना जाएगा यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना जो प्रमोटर डायरेक्टर का नए कंपनी के लिए क्वालिफिकेशन होगा वही कंपनी का क्वालिफिकेशन भी माना जाएगा क्लियर है यह डिसाइड किया था न्यू हरिजॉन्स लिमिटेड में द क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ न्यू कंपनी कम फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स अब कुछ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो देखा है अनकॉलीफाइड लोग भी कंपनी बना लेते हैं कुछ लोग बोलेंगे सर बेलगे जो कॉलेज ड्रॉप आउट था फेसबुक में मार्क्स झकड़बगने तो पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था या कॉलेज टाइम में ही बना लिया था वो तो क्वालिफाइड भी नहीं था बात एकदम सही है आपकी मैंने ये नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला कि अनक्वालिफाइड प्रमोटर वाली कंपनी चलती ही नहीं है मैं ये बोल रहा हूं इनको स्ट्रगल ज्यादा लगता है आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स को स्ट्रगल नहीं हुआ होगा जब वो अनक्वालिफाइड थे मार्क जकरबर्ग को स्ट्रगल नहीं मार्क जकरबर्ग के ऊपर तो सोशल नेटवर्किंग करके मूवी बनाया आप एक बार मूवी देखो कि उसका स्ट्रगल क्या था लेकिन उनके कंसेप्ट में दम था उनके मेहनत में दम था इसलिए वो कंपनी चल पड़ी क्वालिफिकेशंस ये एक सिर्फ एज है इट इज जस्ट अ कटिंग एज कि भैया जिसको तरफ देख के लोग भरोसा कर सकते हैं क्लियर पर ऐसा नहीं है कि भाई अनक्वालिफाइड कंपनी चलेगी ही नहीं प्योरली उसको स्टार्टिंग में लोग नो 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 बोलेंगे पर अगर आपके कंसेप्ट में दमे आपके मेहनत में दमे आप करके दिखा सकते हो आप प्रॉफिट इनिशिएटिव दिखा सकते हो कहां से आने वाला है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए आजकल चौथी फेल आदमी मिनिस्टर भी बन सकता है तो कंपनी नहीं चला सकता तो बिल्कुल चला सकता है तो अनक्वालिफाइड पर्सन भी कंपनी चला सकते हैं बट एपरेंटली पब्लिक अनक्वालिफाइड पर्सन देख के हो तो कंपनी का अनक्वालिफाइड है आप क्वालिफाइड हो तो कंपनी का एक्सपीरियंस क्वालिफाइड है आप अनक्वालिफाइड हो तो कंपनी अनक्वालिफाइड कंपनी मानी जाएगी आप क्वालिफाइड हो तो कंपनी प्रॉपरली क्वालिफाइड मानी जाएगी इतना ही सिर्फ मैं बोल रहा हूं इस चीज इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी बिल्कुल चलेगी एग्जांपल है लाइव है मैं कौन होता हूँ बोलने वाला क्लियर है क्वेश्चन सर ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना ये एक्सपीरियंस मायने रखता है गो फॉर इट फास्ट चरडन मोदी स्टाइल जिंदगी में मोदी जी को याद कर रहे हैं सब जन नालायक लोग हां ना देखो पूछ ही लिया सर डी स्टीव जॉब्स तो अनक्वालिफाइड थे कोई कोई बात नहीं बेटा मैं इसलिए आंसर दे दिया स्टीव जॉब्स का बिलगेट भी मार्क अकरब अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी जिन्होंने बनाई पर उनके कंसेप्ट में दम है आगे आएगी बेटा मेमिकरी डोंट वरी चिल मारो रिलैक्स यहां हाय हेलो मत पे लो यहां क्या हाय हेलो कर रहे लोग लिखना हो गया चरडन है बेबड़ी <laughs> मोदी सर भार्गव ऐसी हरकत घर पे मेरे नाम से बोलो मेरे को <coughs> मोदी सर बोले बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा बेटा निखिल तभी नोटिफिकेशन आएगा वी आई ओ कहाँ लिखा है मैंने यू आई ओ है यूनियन ऑफ इंडिया है वो वीआईओ नहीं है पवन यू है यू आई है यूनियन ऑफ इंडिया और वीआईओ नहीं यू आई भी लिखा आई भी लिखा चलो डन

कल का होमवर्क किया क्या सबने हाँ नालायक लोगो होमवर्क नहीं किया होगा तुमने सही है एकदम सही है अगर आपने होमवर्क किया होगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा अब मतलब मैं क्या बोलूं अभी जिंदगी में तुम्हें मेरे को मतलब ऐसा बहुत बड़ा भाई बारह है कि किसी ने होमवर्क नहीं किया है आज हार्डली पांच या छह लोग होंगे जिन्होंने होमवर्क किया होगा वो भी याद आया होगा तो कुछ लोगों को तो याद भी नहीं आया होगा ठीक है ईमानदारी से मेरे को कमेंट में बोलना कितने लोगों ने होमवर्क किया ईमानदारी से ईमानदारी से कमेंट्स में बोलना एक दो तीन ईमानदारी से खुद से ईमानदार रहना सिर्फ मेरे से नहीं खुद से ईमानदार रहना कि होमवर्क किया या नहीं किया देखो पांच से सात लोग जितने मैंने बोले हैं उतनी ही लोगों ने वहां पे आंसर दिया मतलब अगर साठ लोग है साठ तिरसठ लोग तो ईमानदारी से अच्छा झूठ खुद से मत बोलना मुझसे तो बोल लो लेकिन खुद से मत बोलना अगर आपने होमवर्क किया है तो बहुत अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी लेकिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया ठीक है आज मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूं बोलू चलेगा मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूं ऐसा नहीं किसी और का दूसरे का एक्सपीरियंस बोल के आपको क्या फायदा होगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बोलूंगा तो फायदा किसी और का एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगा तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू से दिस ठीक है सो एक छोटा सा स्टोरी बोलू चलेगा सुनोगे दो मिनट के लिए मेरा ही एक्सपीरियंस बोलता हूं चलो बहुत बढ़िया अगर आपने होमवर्क किया तो बहुत अच्छी बात है बोलू चलेगा चलो अब थोड़ा सा सुनना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनके लिए ठीक है कि ये चीज कैसे वर्कआउट होती है अप टू ट्वेल्थ में बोलू ना अप टू मैंने लाइफ में कभी सिक्सटी परसेंट के नीचे के ऊपर नहीं देखे लाइफ में में कभी भी मैंने मैंने के ऊपर देखे देखे ही नहीं सिर्फ 10th में मैंने देखे थे मेंसेंट वो भी आ, जित पे बाद आ गई थी लोग डाउट करना शुरू कर दिए थे और मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मतलब आप मेरे टेंथ के भी मार्क्स अगर देखोगे ना टेंथ के तो मेरे को सिर्फ मैथ्स में एटी है मार्क्स और बाकी सब में मेरे को फिफ्टी फोर्टी ऐसे परसेंट मार्क्स है सोशल साइंस तो मेरे को समझता ही नहीं था मैंने प्रैक्टिकली ट्वेल्थ तक के ट्वेल्थ क्या मैंने प्रैक्टिकली सीए कंप्लीट होने तक के भी सिक्स के नीचे मार्क देखे बिकॉज सीए में तो सिक्सटी परसेंट के ऊपर मार्क्स देना पॉसिबल ही नहीं है मैं पढ़ाई करता ही नहीं था वन से लेकर ट्वेल्थ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के मैंने कभी पढ़ाई की नहीं है आज गुड़ाज ऐसा समझ लो ठीक है और मैं पढ़ने वाले बच्चों में से था ही नहीं मेरे को मस्ती कराओ गेम्स खिलाओ बाहर कितना भी कुछ करवाओ पर टेंथ के बाद में ट्वेल्थ के पहले मैंने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि मेरे को सीए करना है क्योंकि सुना था मेरे बुआ का बड़ा लड़का सीए बना था मेरी जो बुआ थी ना उसका बड़ा लड़का सीए बना था और मैंने देखा कि मेरे बुआ का बड़ा लड़का सीए बन गया तो सब जन उसको कॉल कर रहे सब जन उसको भाव दे रहे तो मैंने घर वालों को पूछा मेरे मम्मी को पूछा मेरा सीए करने का डिसीजन कैसे हुआ था मैंने मम्मी को पूछा ये क्यों कॉल कर रहे हो इतना क्यों इस बंदे को या? तो मेरे मम्मी ने मेरे को बोला था सीए बना है बोले मैं बोला सीए क्या होता है बोले बहुत भारी होता है बहुत खतरनाक होता है मेरा दूसरा सवाल था पैसा कितना मिलता है तो बोले बहुत मिलता है तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को सीए करना है क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए रेडी था कुछ चार पांच साल के लिए पर मेरी लाइफ में को सेट चाहिए थी ठीक है हालांकि ऐसा नहीं होता आपको मेहनत थ्रू आउट द लाइफ करनी पड़ती है अगर आपको कोई बड़ी चीज करनी है हाँ सी ए करेंगे जॉब वॉब करना ही इट्स पर अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ी कोई चीज करनी है ना बहुत अच्छी कोई चीज करनी है ना बहुत ज्यादा आपको कमाना है खुद को खुश रखना है तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी आज मैं दिन का कम से कम दस बारह घंटा काम करता हूं कम से कम दस बारह घंटा प्रैक्टिकली से इट हर छे महीने में अमेंडमेंट आते हैं हर छे महीने में मैं सिक्सटीन मॉड्यूल्स अपडेट करता हूं नियरली सिक्सटीन मॉड्यूल्स अपडेट करता हूं इंटर के ही तीन चार मॉड्यूल ले लो फाइनल के तो सात आठ मॉड्यूल है मेरे नियरली सिक्सटीन मॉड्यूल्स में हर छह महीने के अंदर अपडेट करता हूं साथ में लेक्चर्स लेते रहता हूं रिकॉर्डिंग करते रहता हूं तो दस से बारह घंटा तो मेरा मेहनत हो ही जाता है आज के डेट में भी लेकिन ये कंसिस्टेंट है अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ सीए करने के बाद रुकना मत बहुत बड़ी चीजें अगर आपको करनी है तो उसके बाद में भी मेहनत करते रहनी पड़ेगी तो जब मैंने टेंथ पास किया मैंने मेरे डैड को बोल दिया कि मेरे को सी ए करना है मैंने मेरे डैड को बोला पापा मेरे को सी ए करना है मेरे डैड ने मेरी पढ़ाई के और मेरे परसेंटेजेस को देखते हुए बोल दिया तब तो मैं टेंथ में ही था तो तब तक परसेंटेज मेरे ऑब्वियसली एटी परसेंट तो थे ही नहीं तभी भी सिक्सटी परसेंट के नीचे ही परसेंटेजेस थे मेरे तो मेरे डैड ने मेरे को मेरे परसेंटेज देख के बोल दिया नहीं तू सी ए नहीं करेगा हम देखो जनरल साइंस को डालेंगे और मेरे डैड नॉर्मली ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ और उनको ऐसा लग रहा था मेरी पढ़ाई देख के कि मैं शायद सी ए को झेल नहीं पाऊंगा ऐसा लग रहा था उनको कि मैं शायद कभी सीए को झेल नहीं पाऊंगा तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दर्शन तू जनरल साइंस में जाएगा एक तो तू डॉक्टर बनेगा नहीं तो इंजीनियर बनेगा और हमारी फैमिली ऐसी है या मराठी फैमिली अगर आप ब्राह्मीण देखो तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जॉब मस्त कोई क्वालिफिकेशन ले लो डॉक्टर इंजीनियर का जॉब पे लग जाओ मस्त तरीके से जॉब करो बात खत्म जॉब इज इकलौता बंदा मेरे पूरे खानदान में जो किसी पैशन में उतर आया है खुद के भरोसे पे तो मैंने डैड को बोला कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है मेरे घर पर झगड़े हुए ठीक है फिर ट्वेल्थ का जब एग्जाम आया तो ट्वेल्थ में सिक्सटी परसेंट के नीचे मार्क मिले और फिर मैंने फिर भी डैड को बोला कि डैड अभी भी को आ, को मेरे को सीए करना है डैड बोले ना उस वक्त उस वक उसे पी वन बुलाता था अगर तू पी वन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया में पास कर लिया तो मैं तुझे आगे सीए करने दूंगा अगर तेको एक अटेम्प्ट भी ज्यादा लग गया फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट भी तो मैं सीए नहीं करने दूंगा मैं बोला चलो ठीक है डैड कोई दिक्कत नहीं और मैंने वो चीज को जिद पे ले लिया आपको यकीन नहीं होगा सीए फाउंडेशन में मैंने इतना पढ़ाई किया इतना पढ़ाई किया इतना स्टडी किया कि मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक टोटल जितना नहीं पढ़ा होगा ना उतना सब मैंने फाउंडेशन में पढ़ लिया उतने उससे कई ज्यादा घंटे मैंने फाउंडेशन में पढ़ लिया डेली का होमवर्क मैं डेली का होमवर्क डेली निपटाता था डेली का होमवर्क डेली निपटाता था एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं क्लास के अंदर खड़ा था मैं बाकायदा पर ऐसा भी नहीं मैंने एंजॉय नहीं किया हमारी हर वेनसडे को हमारे क्लास में अमरावती में आ, वो हमारे टीचर भी काफी अच्छे थे तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा हर वेनसडे और हर सैटरडे को हमारा टेस्ट होता था मैंने हर टेस्ट दिया और वेनसडे को टेस्ट देने के बाद में ऐसा नहीं मैंने एंजॉय नहीं किया टेस्ट देने के बाद में हम जितने भी तीस चालीस लोग होते थे चालीस ही स्टूडेंट थे क्लास में हम तीस चालीस लोग बिंदास क्रिकेट खेलते थे और हमारा राइटिंग एमसीक्यू भी पेपर नहीं थे हमारे हमारे पूरे राइटिंग के चार पेपर थे पूरे राइटिंग के बाकायदा राइटिंग के सो तीस चालीस जन हम क्रिकेट विकेट पूरा दंगा करते थे मूवी वूवी जाते थे हर सैटरडे को हम बाकायदा टेस्ट देते थे और उसके बाद में एंजॉय करते थे ये दो दिन हमारे शाम के फिक्स रहते थे जब हम एंजॉय करेंगे दोपहर को भैया टेस्ट दे देंगे और शाम पूरी हमारी पिक्चर देखेंगे इधर उधर जाएंगे होटलिंग करेंगे खाना खाएंगे ये सब चीजें हम करते थे वो महीने के सब बच्चों का जितने लोगों का बर्थडे रहता था दोस्तों का वो सब मिलकर उस दिन पार्टी देते थे तो इस तरीके से इस तरीके से हमारा चलता था दैट इज पढ़ाई पूरे दिन भर पढ़ते रहो मतलब सिर्फ खाना सोना ठीक है खाना सोना ये दो चीजें और खुद का मेंटेनेंस ये दो चीजें छोड़ के हम फुल टाइम पढ़ते रहते थे और हमारे टीचर भी हमको होमवर्क ऐसे था? ऐसे नहीं देते थे कि पांच सवाल दस सवाल पचास सवाल फिफ्टी क्वेश्चन करके आने हैं प्रैक्टिस के फिफ्टी क्वेश्चन डेली मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे रात को कई बार जागते थे पर फाउंडेशन इस तरीके से मैंने मेरा फाउंडेशन क्लियर किया इतना पढ़ा मैं मेरे सिटी से सेकंड से टॉपर था सिटी से सेकंड टॉपर था और आपको स्टोरी यहां शुरू नहीं होती स्टोरी शुरू यहां होती है बड़े अच्छे से ध्यान देना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना होमवर्क का मकसद कि होमवर्क क्यों होता है तो यहां से आपने सुनना कि होमवर्क कब काम में आता है ठीक है

थ डायलॉग बोल सके इतनी कैपेसिटी अगर वो ट्राई करे तो अगर उसने सच में पढ़ लिया होता जिंदगी में तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तीनों लेवल पे मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पर थोड़ा आलसी था ये उसको खुद को पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था मैंने उसको कई बार बताया कि अब ये कर ले मतलब हम पढ़ते थे दिन भर और वो ऐसा आएगा एक दो घंटा पढ़ेगा और उसका काम हो गया ऐसा सिचुएशन था उसका तो बहुत मतलब इनबिल्ट क्लेवर था बट फिर भी मेरे को बुला रख लगा था मैं बहुत सैड था मैं बोला कि पी में मैं छोड़ूंगा नहीं पी मतलब आपका इंटरमीडिएट जहां पर अभी आप हो

रिजल्ट आया अगस्त 2005 पांच फर्स्टस्ट दो हजार पांच से लेके मैंने फर्स्ट डे से ही मेहनत शुरू कर दिया फॉर द अटेम्प्टे दो हजार छह फॉर द अटेम ऑफ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया पढ़ना लिटरली पढ़ना शुरू कर दिया ताकत से एवरीडे जितना होमवर्क होता था मैं करता था मतलब ऐसे सिलेक्टेड पांच दस लोग थे जो सीरियसली ले रहे थे पीटू को बिकॉज आधे जितने पास हुए थे फाउंडेशन में तो सोलह ही जन पास हुए थे आउट ऑफ फोर्टी सोलही जन पास हुए थे आउट ऑफ फोर्टी तो ऐसे सिचुएशन में जब हम पीए टू पर आए तो पीए टू में उन सोलह जनों में से प्लस बीकॉम के कुछ लोग ऐड हुए तो हम टोटल तीस जन थे मैं बोल सकता हूं तीस में से कुछ दस ही लोग होंगे जो डेली होमवर्क हुँग करते होंगे उसके अंदर में सबसे प्रॉम्प्ट था ऐसा बोल लो अगस्त से लेकर डिसंबर जनवरी तक के मैंने बहुत ताकत से पढ़ाई की बहुत ताकत से डेली टेस्ट देता था डेली पढ़ाई करता था बाकायदा अकाउंट्स हर हर चीज और मेरा जनरल साइंस बैकग्राउंड था तो अकाउंट्स में मेरे को ऑप्शन ही नहीं था तो अकाउंट्स में तो को डबल पढ़ना पड़ता था अकाउंट्स पता ही नहीं था कैसे चलता है तो ताकत से पड़ता था एवरी डे ताकत से पड़ता था बहुत जोर से और फिर जानेवरी में हो गया हादसा जानेवरी में मेरी नानी गुजर मेरी दादी गुजर गई अब घर के अंदर पहला डेथ हुआ था घर के अंदर फर्स्ट डेथ हुआ था मेरे लिए शौक था मैंने मेरी आंखों से कभी डेथ देखा नहीं था फर्स्ट टाइम मैंने देखा था मैं रीडिंग रूम पे पढ़ रहा था मेरे दोस्त के घर पे कॉल आया जिसका रीडिंग रूम के पास घर था उसको बोला कि उसके उसके भाई ने फोन उठाया उसने आके रीडिंग रूम पे मुझे बोला कि तुम्हारी दादी गुजर गई मैं घर पे गया मैंने घर पर देखा दादी गुजरी हुई है फर्स्ट टाइम मैंने मेरी आंखों से डेथ देखा था मैं ये होने के बाद उस दिन में रोया भी नहीं मेरे को रोना बहुत मतलब आता है मैं मूवीज़ में भी रोता हूँ पर ऐसा बहुत जब सीरियस सिचुएशन होता है और फैमिली वाला भी सब रहता है ना तो उस वक्त मैं बड़ा हो चुका था मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैंने घर वालों को संभालना चाहिए और मेरी दीदी कहीं और इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थी तो मेरे को ऐसा लगता था मैंने फैमिली को संभालना चाहिए पापा ऑफिस में थे तो पापा अकोला तब अपडाउन करते थे अकोला अपडाउन करते थे अमरावती से दो तीन घंटे का डिस्टेंस तो उनको मैसेज मिलने पर भी उन्होंने घर तक आने में बहुत डिफरेंस था बहुत देर था तो उस वक्त मैं रोया भी नहीं मैं इसमें लगा हुआ था कि कैसे अरेंजमेंट हो घर कैसे संभाला जाए सब 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 मैं वो ट्राई कर रहा था रोया भी नहीं पर इस चीज़ का इतना खतरनाक प्रभाव पड़ा था मेरे ऊपर कि जब दादी गुजरी वहां से आप टेंटेटिवली ये ले लो एक महीने तक के मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया मैं टेबल पर जाके बैठता था मेरे को ये मालूम था कि मेरे को टेबल पर जाके बैठना है ठीक है ये पता था कि मेरे को आदत लगी हुई है टेबल पे आके बैठने की पढ़ने की मैं जाके टेबल पे चुपचाप बैठा रहता था मेरे को मालूम था मैं जो पढ़ता था ना मैं रीड करते रहता था पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था ना दिमाग में फिट होता था कुछ दिमाग में नहीं जाता था जो सिर्फ अगस्त से लेकर तक मेहनत किया वो था और, और जो डेली इसमें जो मैंने होमवर्क को मेहनत किया ना ये था पर मेरे को पता ही नहीं था कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसे एक महीने के अंदर नियरली फेब्रुआरी का मंथ ले लो फेब्रुआरी के मंथ में मैं जो पढ़ रहा हूं उसके अंदर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था ऐसा बैठा रहता था घंटे के घंटे निकल जाते थे समझ में नहीं आता था सुबह से शाम हो जाती थी खाने पीने के सेंस नहीं रहते थे फ्रस्ट्रेशन आ गया था जिंदगी में और जैसे ही फेब्रुआरी कुछ मिड वगैरह आया फेब्रुआरी मिड में, में मेरे साथ एक और हादसा हो गया मेरे हाथ का राइट हैंड का एक्सीडेंट हो गया आपको शायद पता नहीं होगा दिस इज माई राइट हैंड ठीक है आप यहां पर स्ट्रेट अवे देख सकते हो ये स्टिचेस है ठीक है ये फेब्रुआरी में हुआ था मेरे अटेम्प्ट के तीन महीने पहले तीन चार महीने पहले फेब्रुआरी में हुआ था कि यहां राइट हैंड हाँ पे मेरे स्टिचेस लग गए थे सब इस इतने से एरिया में ट्वेंटी सेवन स्टीचेस है मेरी ये तीन उंगलियां हाथ से पूरी उखड़ गई थी उसको डॉक्टर ने नसों को जोड़ जोड़ के स्टिचेस मार के जमा किया है तब जाके वो चलने लगी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि बंदे का हाथ वापस ठीक होगा या नहीं होगा लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे पूरे इसके अंदर ट्वेंटी सेवन स्टिचे है अभी भी अगर मैं कुछ वर्कआउट योगा वगैरह करता हूँ इस हाथ के ऊपर स्ट्रेस आता है अभी भी दुखता हो और आपने कभी देखा होगा तो नॉर्मली मैं जब लिखता हूं लैपटॉप के ऊपर तो मेरे हाथ में रुमाल होता है कि मैं रूमाल नीचे लिखता हूँ रूमाल नीचे रख के लिखता हूँ बिकॉज मेरा ये जो पिंकी फिंगर है वो नॉर्मली मैं स्ट्रेट रख के लिख ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए तो फिर भी ये हाथ पूरा टूट गया मतलब जनवरी में ये हाथ हुआ फेब्रुआरी में मेरा हाथ चला गया मेरे को फेब्रुआरी में प्लास्टर लग गया था एक महीने का पूरा का पूरा मेरे हाथ में क्या था मतलब जब मेरे को होश आया पढ़ने का जानेवरी तो पूरा चला गया जब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं फेब्रुआरी में हाथ टूटा था इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था पर मैंने खुद को संभाल के पढ़ने की तो भी कोशिश की मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा मैं बोला नहीं समझ में आता कोई फर्क नहीं पड़ता नियरली ऐसा एक महीने का पीरियड था जब मैं सिर्फ टेबल पर बैठता था देखता था बुक्स को कुछ समझ में नहीं आता था कुछ ही समझ में नहीं आता फेब्रुआरी में भी, भी मैं टेबल के ऊपर बड़े बैठा रहता था पर लिख नहीं पाता था थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने लगी थी बिकॉज कितने देर भगवान भी कितने दर आ देखेगा भगवान बोल रहा है बेटा एक महीने तक बच्चा बैठा रहा है पढ़ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा अब इसको पढ़ा तो भी दो कम से कम तो लिखना तो चला गया था मेरा पर मैं पढ़ सकता था अब मेरे को समझ में आना लगा था फेब्रुआरी मंथ के आसपास पर लिख नहीं सकता था और इंटर में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप पहले दिन से देखना मैं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दे रहा हूं तो फेब्रुआरी एंड में मार्च में मेरा प्लास्टर निकला मार्च फर्स्ट वीक में मेरा प्लास्टर निकला और मैं देखता हूं तो मैं मेरी जो राइटिंग स्पीड है जो पेपर में तीन घंटे का पेपर टू हुआ, हुआ हाँ, वो अलग है पर मैं कुछ तो भी फेंक के आता था लेकिन तीन घंटे का पेपर ढाई घंटे से लेकर पौने तीन घंटे में खत्म होता था इतना जबरदस्त मेरा राइटिंग स्पीड था लाइफ का कोई भी ऐसा पेपर नहीं कंप्लीट नहीं किया होगा कुछ दस मार्क का क्वेश्चन घंटे पहले लिख के खत्म करके बैठ जाता था कि वो मार्क का सवाल अगर मेरे को आता तो वो भी कंप्लीट कर पाऊ कोई ऐसा पेपर नहीं इतना भारी राइटिंग प्रैक्टिस था मेरा जबरदस्त और मार्च फर्स्ट वीक में टू माई नॉलेज मेरा राइटिंग स्पीड इतना खत्म हो गया खतरनाक हो गया था कि तीन घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे को कम से कम पांच घंटे लगते थे कम से कम पांच घंटे मैंने एक टेस्ट खुद का लेके देखा था कि बोला यार ये क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर किसी को बोल भी नहीं सकता था और राइटिंग स्पीड पूरी ठप गई थी समझ में भी नहीं आता था क्या चल रहा है तीन घंटे का पेपर रखने के लिए पांच घंटे लगते थे मेरे को सेम चीज करने के लिए सेम होमवर्क करने के लिए डबल द टाइम नियरली मेरे को लगता था क्योंकि हाथ का राइटिंग का स्पीड पूरा कम हो गया था अब मेरे पास थे सिर्फ दो महीने एक था मार्च और एक था अप्रैल एक था मार्च और एक था अप्रैल स्टोरी अप्रेलो बोल रहा हूँ दो महीने थे मैंने पढ़ाई सिर्फ अगस्त से जनवरी की थी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी ठीक है नियरली पांच छह महीने मैंने पहले पढ़ाई की थी जिसका होमवर्क मैंने किया था जिसके अंदर मेरा सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सिलेबस क्लासेस में खत्म हुआ था ठीक है इसमें भी ये बोलता हूं कि मुझे जो सीए इंटर पढ़ाने वाले लोग थे ना वो सीए भी नहीं थे वो सीए भी नहीं थे हां उन्होंने उनकी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई किया पर वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं थे हालांकि मुझे जो सीए इंटर पे पढ़ाने वाले लोग थे हमारे क्लास को खुद सीए इंटर में थे हालांकि उन्होंने ट्राई बहुत किया पर वो खुद सीए इंटर में थे वो खुद हमारे साथ एग्जाम दे रहे थे ऐसे लोग थे नाम नहीं लूंगा ऐसी सिचुएशन थी हमारी कि कि आधे सब्जेक्ट में में को समझ में भी नहीं आते थे कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये सिचुएशन थी बुक्स और टीचर के बीच में मेल नहीं खाता था फाउंडेशन बहुत जैसे पढ़ाया था कोई दिक्कत नहीं इंटर पर थोड़ा इधर उधर हुआ जरूर हुआ पर इससे हार नहीं मानी मार्च और अप्रैल मंथ में जब में को पता चला कि मेरे पास सिर्फ अब साठ दिन है साठ में से आप पंद्रह ऐसे ही निकाल दो जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में चले गए खुद को संभालते हुए मेरे पास जब सिर्फ फोर्टी फाइव डेज थे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था ये समझने के लिए कि मैं क्या करूं क्योंकि सीधे सीधे दिख रहा था मई में, में एग्जाम है और अपना अटेम्प्ट गया सीधा दिख रहा था बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस डबल राइटिंग स्पीड डबल लग रही थी कम से कम और जो पढ़ा था अगस्त से लेकर जनवरी तक वो याद आने के चांसेस नहीं थे बिकॉज एक मेंटल ट्रॉमा हो चुका था समझ में नहीं आ रहा था क्या करू मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा फिर मैंने एक दिन शांति से बैठा मैं बोला जो होगा देखा जाएगा मैंने अगस्त से लेकर जनवरी तक होमवर्क किया है मैंने मेहनत की है ये मेहनत जाया नहीं जाएगी पहले दिन मैंने क्या किया 45 डेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया 22 डेज में अब ये 45 डेज को 22 डेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपने घर पे ट्राई मत करना ये सिर्फ मैं कर सकता था क्योंकि मैंने योगा किया है मैंने मेडिटेशन किया और मैं योगा की प्रैक्टिस डेली करता था और उसी योगा के प्रैक्टिस की वजह से मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ी मेरा हीलिंग बढ़ा मेरा हीलिंग बहुत फास्ट हुआ इस हाथ का जिस वजह से मैंने मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ाई तो मैं अभी भी डेली योगा और मेडिटेशन दो ढाई घंटे तक के करता हूं डेली एवरी डे मॉर्निंग उठूंगा दो ढाई घंटे तक के मैं डेली मेडिटेशन योगा करूंगा मेरा अगर आप ये रूम देखोगे रिकॉर्डिंग रूम सिर्फ रिकॉर्डिंग रूम नहीं है यहां मेडिटेशन और योगा के लिए स्पेसिफिक एरिया बना के रखा है मैंने कि यह टेबल थोड़ा साइड में चला जाता है और इसी एरिया में, में मेडिटेशन और योगा करता हूँ दिन का दो ढाई घंटे तो उसमें मेरे हेलिंग में बहुत फायदा हुआ तो मैं योगा और मेडिटेशन करता था इसलिए मैंने सोचा कि बॉडी के ऊपर एक टोल लिया जा सकता है मॉर्निंग में, आज, आज में अगर मैं छह बजे उठ गया सिक्स ए उठ गया तो मैं दो तारीख को रात को दस बजे तक के, मैं सोता ही नहीं था एक तारीख को सवेरे छह बजे उठ गया दो तारीख को रात को दस बजे तक मैं नहीं सोता था थ्रू आउट जागता था और पढ़ता था ताकत से पढ़ता था थ्रू आउट और रीडिंग रूम पे ही रहता था घर वालों को बोल दिया था रीडिंग रूम पे ही सोऊंगा ठीक है तुम तो मेरे को कॉल भी मत करना और कॉल तो उस वक्त थे ही नहीं हमारे पास फोन ही नहीं थे उस वक्त तो कॉल का सवाल ही पैदा नहीं होता था तो छे एम में मॉर्निंग उठता था सब मेंटेन वगैरह करता था जाता था पढ़ता था वापस आता था खाना खाता था वापस जाता था पढ़ता था वापस आता था नाश्ता करता था वापस ज्यादा पड़ता था रातवा डिनर करता था कितने बार नाश्ता डिनर उधर ही कर लेता था दूसरे दिन पूरा रात भर उसी रीडिंग रूम पे पढ़ता था दूसरे दिन भी पूरा जागता था और दूसरे दिन रात को दस बजे सोता था और ये नींद में लेता था एट आवर्स की मतलब अगर एट आवर्स की मैं दो दिन में नींद ले रहा हूं तो एट आवर्स में सफिशियंट नींद हो जाती है मतलब फोर आवर्स की नींद में ईच डे ले रहा हूं पहले तो मेरे मेरे पढ़ने की टेक्निक खत्म कर दी तो जो मैं चार घंटा एक्स्ट्रा हर रोज देता था आ, आज आज के डेट में आप खुद देख लो आप आठ घंटा तो एग्जाम के पीरियड में भी नियरली सो जाते हो तो आठ घंटा में दो दिन में सोता था और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था और आठ घंटा भी ये जब मैं घर पे आके सोता था तो मैं बेड पे नहीं सोता था मैं सोफे पे जाके सोता था मेरे घर वाले मेरे को बोल के परेशान हो गए थे तेरा तबियत खराब हो जाएगा तू क्या कर रहा है तू सोफे पे क्यों सो रहा है ये मेरे घर वाले बोलते थे कभी मेरे घर वालों को पूछना एक्सपीरियंस मैं पर सोफे पे ही सोता था क्योंकि कंफर्टेबल नींद ना लगे और सुबह जल्दी उठ जाओ वो ऐसा मैंने 22 दिन तक कंटिन्यूसली किया है बेटा 22 दिन तक कंटिन्यूअसली किया है 22 दिन मतलब 45 डेज तक मैंने कंटिन्यूअसली किया है 22 दिन का तो मेरा दिन था पर इतना करने के बाद योगा और मेडिटेशन भी मैं डेली करता था उसका मेरे को फायदा हुआ कि मेरी बॉडी के ऊपर टोल बहुत जल्दी नहीं आया पर एन एग्जाम के मौके पे जब मेरा एन एग्जाम का डे था ना एन एग्जाम का डे उसके दो दिन पहले मैं बीमार हो गया क्योंकि इस चीज़ की बीस साल तक आदत ही नहीं थी उन्नीस साल तक अठारह उन्नीस साल तक इस चीज़ की आदत ही नहीं थी क्योंकि दो दिन में एक बार सुना बॉडी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया कि भाई बस कर अब क्या कर रहा है जिंदगी के अंदर पर रुका नहीं जिस दिन मैंने पहला अकाउंट्स का पेपर दिया सी एंटर का मेरा टेम्परेचर था एक डिग्री डॉक्टर को जब मम्मी डॉक्टर को दिखाने लेके गई थी तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे बोले इसको एग्जाम मत देने लगाओ इसका तबियत और खराब होगा मैंने डॉक्टर को बोला चुपचाप मेरे को सिर्फ ऐसी गोली देना जिससे मैं ठीक हूँ और नींद ना आए अगर तूने नींद आने की गोली दी तो मैं गोली लूंगा ही नहीं बोला मैं गोली ही नहीं लूंगा तू उधर जो जिंदगी में करना है तो कर मैं गोली ही नहीं लूंगा तो डॉक्टर ने भी ऐसी गोलियां दी थी जिससे नींद ना आए और जो सिर्फ मेरे को एग्जाम देने के काम में आए और डेली एग्जाम पीरियड में भी अब तबियत खराब थी इसलिए सात घंटा सो जाता था कि भाई टोल ना आए, एकदम एग्जाम में कुछ बेहोश होश होके ना गुर जाओ मैं 102 के टेम्परेचर में सभी पेपर दिए तब हमारे वक्त छह ही पेपर थे इसे इंटरमीडिएट में छह के छह पेपर दिए तीन पेपर एक ग्रुप में ग्रुप वन में तीन पेपर थे ग्रुप टू में तीन पेपर थे छह पेपर मैंने पूरे 102 के टेंपरेचर में दिए सर्दी खासी अलग से थी और ये 22 डेज में अगर तुमको यकीन नहीं होगा ये 22 डेज में मैं अभी बोलता हुआ आपको ये 22 डेज में छह से लेके सात रफ रजिस्टर 300 पेजेस के मतलब 200 300 400 पेजेस के छह से सात छह से सात भी नहीं आई ज्यादा दस से बारह ऐसे रजिस्टर मेरे को अभी नंबर भी याद नहीं मतलब मेरे को ये याद है कि नियरली दो तीन हजार जो पेजेस है वो मैं लिख के रखा था लिखे हुए थे रफ रजिस्टर क्योंकि ये हाथ का राइटिंग स्पीड बढ़े आपको यकीन होगा नहीं होगा आई डोंट नो मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं ये जो पांच घंटे का राइटिंग स्पीड था इसको वापस मैंने तीन घंटे पर लाया दो महीने के अंदर वापस तीन घंटे इतना लिखा इतना लिखा अभी मेरे अमरावती के घर में वो सब बुक्स और वो सब रजिस्टर फाउंडेशन के और इंटर के मेरे पड़े हुए हैं अभी भी पड़े हुए उनको जाके देखता हूं तो खुद पे ऐसे फक्र महसूस होता है कि जिंदगी के अंदर क्या किया जब मैंने एग्जाम किया छे के छे पेपर एक के में, छे एक सौ पेपर खत्म होने के बाद नॉट डेट था कुछ तो भी तेरा मे पूरे खत्म हो चुके थे तेरा में आसपास घर पे आया जो सोया जो सोया मैं सत्रह अठारह घंटे सोया हूंगा सेवनटीन एटी रान डॉक्टर को बोला तू मेरे को नशा ही दे दे सीधा एक, एक नशा ही दे दे एग्जाम हो गया बोला खत्म मेरे को जिंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बची नहीं एक डॉक्टर ने नशा दे जो सोया जो सोया कि उठाई नहीं बारह घंटे में बोला नींद खुल गई थी फिर भी बेड के अंदर पड़ा रहा बोला तेल लेने का तो उठना ही नहीं खाना वाला तेल था बाद लेजर है जिंदगी में हो गया बोला काम अभी अपना सत्रह अठारह घंटे सोया आप मेरे एक बात याद रखना आप मेरा रिजल्ट देखोगे ना मैं आपको मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ अभी तो मैं घर पर ही हूँ आप मेरा रिजल्ट देखना मेरा रिजल्ट है तीन ग्रुप एक ग्रुप में तीन सब्जेक्ट तीन सौ मार्क् दूसरे ग्रुप में तीन सब्जेक्ट तीन सौ मार्क् मैंने बोर्ड ग्रुप अटेम्प्ट किए थे एक ग्रुप भी नहीं छोड़ा था हालांकि मेरे पास ऑप्शन था ये टोटल कितने मार्क्स हुए छे सो मार्क अभी मैं आपको मेरी मार्क्सिट भी दिखा सकता हूं लाके घर के अंदर ही है दो मिनट को तो लाके भी दिखा दूंगा मैं आपको छे सो मार्क में से डॉट तीन सो मुझे मिले हैं डॉट तीन सो और वो भी ऐसा नहीं कि सेट ऑफ एक फर्स्ट ग्रुप में डॉट डेढ़ सो सेकेंड ग्रुप में डॉट डेढ़ सो डॉट डेढ़ सो डेढ़ सो मार्क्स मिले हैं डॉट और मैं मानता हूं कि मैं सी ए इंटर में फेल था मैं लिटरली मानता हूं मैं CA इंटर में फेल था यह सिर्फ इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने अगस्त से लेकर जनवरी तक मेहनत की थी और उसके बाद में सिर्फ मार्च और अप्रैल में जो मैंने मेहनत की थी और जो मैंने डेयरिंग दिखाया शायद बस उस चीज की वजह से आज के डेट में मैं सीए हूं और अगर ऐसा होता ना कि उस वक्त मैं फेल हो जाता था मेरे को नहीं पता मेरे लाइफ के साथ क्या होता था एक मार्क इधर उधर सिर्फ एक मार्क इधर उधर आप मेरे मार्किंग भी मार्किंग है मेरे। नहीं। 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 किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब में, भी भी में, में से डॉट तीन सौ मार्क है डेढ़ सौ डेढ़ सौ और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने से तक होमवर्क किया है मेहनत की और अप्रैल मे में मैंने वापस मेहनत की हो सकता है मेरा जनवरी

तो इस तरीके से किया जाता है मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं कितना महान हूं मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको नहीं पता आपको जिंदगी में क्या टोल लेने पड़ेंगे आपको नहीं पता जिंदगी में आपके ऊपर कौन सी चीज आएगी तुम अभी बोल रहे हो मैं होमवर्क नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया माना तुम्हारी कोई चीज नहीं हुई माना सब चीजें एग्री है मेरे को, को सब चीजें एग्री तुम जो बोलोगे ना सब चीजें एग्री है मेरे को रिजल्ट वगैरह नहीं आया पर मुझे एक बात बताओ तुमने फ्यूचर देखा है मैंने तो नहीं देखा था मैं भी यही मान के चल रहा था पर मैंने मेहनत की वो मेरा एक एडवांटेज बना भगवान ने मेरे को कहां से तो भी बुद्धि दी होगी कि भैया दर्शन तो अभी पढ़ ले बाद में तेरे ऊपर आफत आ सकती है तो मैंने तभी पढ़ लिया जो जोश में तभी सब टेस्ट दे दी और बस यही चीज है जिसने मेरे को सर्वे अगर मैं ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक मेहनत नहीं करता आपको क्या लगता है डॉट तीन सौ मार्क मेरे को मिल सकते थे डॉट तीन सौ मार्क मिल सकते थे बिल्कुल नहीं मिल सकते थे पॉसिबल ही नहीं था 300 आप सोचो कि अगस्त से दिसंबर तक की जो चीज है ना ये नहीं करता मतलब एक दिन भी शायद इसमें इस में कम पड़ता एक दिन भी मार्च अप्रैल में अगर मैं कम पढ़ता। या एक दिन हर प्लान वर्क किया है तीन सौ मार्क मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी लगाई बाईस दिन की पैतालीस दिन की वो हर एक वर्क की है जो चीज मैंने खुद के साथ की हर एक वर्क की वो जो दस से पंद्रह बुक मैंने लिख लिख के भर के दिए वो हर एक वर्कआउट हुए ऐसे ही नहीं मिलता भाई तुम फाउंडेशन हो जाओगे पास उसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें नहीं पता फ्यूचर क्या है खुदा ना खास्ता मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारे साथ साथ ऐसी कोई चीज़ हो बिल्कुल नहीं दिल से ऐसा किसी के बिकॉज वो पेन एक अच्छा इंसान कौन होता है वो खुद जिस पेन से गया है वो चाहे कि दूसरों के साथ ना हो वो पेन दूसरों के साथ ना हो अच्छा इंसान और मैं मान लो मैं अच्छा इंसान हूं सच में मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो पर तुमने भी फ्यूचर नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा यू नेवर नो तुम्हें बाद में क्या फेस करना पड़ सकता है और उस वक्त से पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाएगी क्योंकि लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सर्वाइवल होता है हमेशा सर्वाइवल होता है इसलिए जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना जो ये मान रहे हैं कि वो होमवर्क नहीं करके वो छूट जाएंगे मेरे को इनका क्रॉस क्वेश्चन है बेटा पहले ही देखो तुम्हारा कोविड के अंदर अटेम्प्ट हो गया है डिले अभी तक तुम्हारा रिजल्ट लग जाना चाहिए था मैं फ्रेंकली बोलू अभी तक तुम्हारा रिजल्ट लग जाना चाहिए था और अभी तुम्हारे क्लासेस वगैरह के एडमिशन शुरू हो जाने चाहिए थे बिकॉज नवंबर का रिजल्ट जनवरी सत्रह तक के लगता है

और इस वजह से पता है बस इसी मेहनत की चाह से मैं आज यहां खड़ा हूं अगर मैं ये मेहनत नहीं कर सकता था ना तो तुमको क्या लगता है किसी पूरे इंडिया के अंदर में लॉ के लिए तुमको पढ़ा सकता था ये जब तुम करते हो ना तो तुम खुद की लिमिट टेस्ट करते हो अब जितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया मैं कोई ईमानदारी से बता बताना अगर कुछ फ्यूचर में कैलेमिटी आई क्या तुम हैंडल कर सकते हो तुम्हें लगेगा तुम हैंडल कर सकते हो पर भगवान जब गेम खेलता है ना भगवान जब मारता है ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती बेटा वो जब मारने पे आ जाएगा ना तो तुम मरने पे आ जाओगे इट इज सिंपल एज दैट ये चीज को तुमने याद रखना अभी हाथ एकदम फिट एंड फाइन वर्क कर रहा है क्योंकि उस वक्त उतनी प्रैक्टिस करवा ली थी और तुम तो मेडिटेशन योगा करते भी नहीं हो शायद मैं तो भी ये 22 दिन को झेल गया 45 फाइव डेज को जो 22 में मैंने कन्वर्ट किया वो उसको मैं झेल गया क्योंकि मेरी बॉडी उसके लिए कैपेबल थी आपकी बॉडी कैपेबल है नहीं आपको नहीं पता बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और यकीन मानना के अंदर। ये चीज़ आपको पता चीज़। बाकी तो आपकी मर्जी है आप क्या चाहते हो क्या करना चाहते हो इट्स ये दिस करने के लिए बहुत दम लगता है आप करके देखो और अभी से अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो आपके साथ शायद हो सकता है कुछ होगा लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो बेटा फ्यूचर कौन सी चीज पर टोल लेगा वो याद रखना पेनोल्टी आपको पता है अगर आपने होमवर्क नहीं किया सेम सवाल तीन बार लिखना है अगर आपको खुद के साथ थोड़ी भी ईमानदारी होगी तो होमवर्क कीजिए मुझे टैग कीजिए स्टोरी में मैं आपकी स्टोरी पब्लिश करूंगा बच्चे ने गलती भी मानी पर बच्चा होमवर्क भी कर रहा है पर ये गलती अब मैंने दो बार बता दी आपको ये वापस मुझे बतानी ना पड़े आपको ये गलती मुझे वापस आपको दोहरानी ना पड़े मुझे वापस होमवर्क के लिए आपको बोलना ना पड़े अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो बेटा और आपको सक्सेसफुल होना है मैं जो बोलता हूं वहां पैर रखो जहां तैरने को बोलूंगा वहां तैरना जहां कूदने को बोलूंगा वहां कूदना क्योंकि ये सब मैं कूद काद के आ चुका हूं और मैंने हजारों बच्चों को कुदाते हुए देखा है और उनके रिजल्ट भी देखे है बच्चा जब अटेम्प्ट लग जाता है ना तो फ्रस्टेड होकर हमारे पास आता है एक अटेम्प्ट लगने के बाद ना सब सब बुद्धि इस जगह पे आ जाती है पूरी बुद्धि जगह पे आ जाती है एक अटेम्प्ट लगने के बाद पूरी दुनियादारी अगर इसीए फाइनल में एक अटेम्प्ट खा चुका हूं भाई मैं पूरी दुनियादारी एक जगह पे आती है जो आदमी खुद को एकदम क्लाउड नाइन पे मानता है ना नहीं उसको भगवान ने पटक के नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया तो शर्त लगा लगना अगर तुमको अटेम्प्ट लग गया तो जिस दिन अटेम्प्ट लगेगा ना तुम खुद के घर वालों से भी नजर नहीं मिला सकते खुद के घर में ही ऐसे रहोगे जैसे पराए हो यह चीज को भी याद रखना अगर तुमको अटेम्प्ट लग गया तो अटेम्प्ट आपको सिखा के जाएगा जरूर सिखा के जाएगा पर यह सीख आप बिना अटेम्प्ट लगाए भी सीख सकते हो आदमी वो वाइज होता है जो दूसरों के प्रॉब्लम देख के सीख जाए जरूरी नहीं है, तो है। हालांकि मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा था ये सब करने वाला बच्चा था मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटेंट भी जब लगा ना उसके पहले जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था उसमें थ्रू आउट पास था उसके पहले एक महीना पहले टेस्ट सीरीज दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट लगा उसके पहले थ्रू आउट पास था फिर भी अटेम्प्ट लग गया क्योंकि भैया एक इक्वेशन में आपको बोलू फाउंडेशन में तो टेस्ट किया जाता है आपका दिमाग ये चीज को याद रखना जो दिमाग वाला बंदा है उसने थोड़ा भी पढ़ लिया वो फाउंडेशन में पास हो जाएगा मेरे से लिख के ले लो ये इक्वेशन है इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ने इसी हिसाब से सिलेबस ड्राफ्ट किया फाउंडेशन में आपका टेस्ट किया जाता है दिमाग दिमाग के साथ में अगर आपका एवरेज माइंड है और प्लस आप थोड़ी मेहनत कर लो थोड़ा हार्डवर्क कर लो तो सीधी बात है आप पास हो जाओगे फाउंडेशन में लेकिन जिसको बहुत अच्छा दिमाग है वो तो पास हो ही जाएगा फाउंडेशन में इंटर में बेटा दिमाग से सिर्फ काम नहीं पड़ता इंटर में आपको लगता है दिमाग प्लस मेहनत सिलेबस ही इतना देकर रखा है कि फटके हाथ में आ जाएगी जब आठ सब्जेक्ट के साथ देखोगे दे तुम मैं बोलता हूं ना जो लोग अभी होमवर्क नहीं कर रहे तुम बस थोड़ा सा रुकना जून जुलाई तक के जब तुमको नवंबर एग्जाम आगे दिखेगा ना जून जुलाई में और पता चलेगा तुम पानी में हो आधे बच्चे तुम में से बोध ग्रुप में से ग्रुप वन पे शिफ्ट हो जाएंगे लिख के ले लो मेरे से मैं कर होते हुए देखा है आठ साल से यही होते हुए देख रहा हूं क्योंकि सिलेबस देख के ही फट जाती है जब पूरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना अगले छह महीने में तो सिलेबस देख के फट के हाथ में आ जाएगी पता चलेगा यार नहीं मैं एक ही ग्रुप देता हूं वैसे भी आर्टिकलशिप में सेकंड ग्रुप तो निकाल ही सकता अब मैं अगर आपको यहां पर बोलू कि इंटर में अगर आप ग्रुप वन पे ही शिफ्ट हो गए और उधर आर्टिकलशिप में बोध ग्रुप पास किया हुआ बंदा है आर्टिकलशिप में बोध ग्रुप पास किया हुआ बंदा है तो आर्टिकल मैं मैं अगर सीए का ऑफिस चला रहा हूं तो मैं किसको आर्टिकल रखूंगा जिसने बोध ग्रुप पास किया प्योरली मेरे, ये मेरे का भी है, ये बंदा लिए दो साल तक मेहनत करेगा लेकिन जिसने सिर्फ ग्रुप वन पास किया है वो आर्टिकलशिप में जाएगा मैं उसको नहीं रखूंगा क्यों क्योंकि हर छह महीने में वो मेरे को एक महीने का लीव मांगेगा और मेरे कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले छह महीने में भी सेकंड ग्रुप पास करेगा हो सकता है वो फाइनल अपियर होने तक के ग्रुप ही देता रहे

तो इंटर पे बेटा आपका लगता है दिमाग और मेहनत फाइनल पे एक अटेम्प मेरे को लग गया टेस्ट सीरीज में पूरा मॉक टेस्ट में पास होने के बाद भी एक अटैम्प लग गया बिकॉज फाइनल पे इससे ज्यादा एक और चीज लगती है वो है दिमाग दूसरा है मेहनत और तुम किसी से भी पूछ लेना लक पर लक भी उसी को मिलेगा हिम्मत मर्दा तो मदत खुदा चीज को याद रखना अगर आप दिमाग और लग के ऊपर भी मैटर कब जाता है जब आपका दिमाग 100 परसेंट चला हुआ हो आपकी मेहनत 100 परसेंट चली हुई हो या दोनों आपका अगर खत्म हो चुका हो तो लक मायने रखता है अगर आपका ये दोनों ही आपने 70, इधर ही तुमने 70 परसेंट दे दिया और इधर ही तुमने सिक्सटी परसेंट दे दिया तो ये तो घंटा तुम मेरे पास आने से रहा बिल्कुल ही नहीं आएगा लिख के ले लो मेरे से कभी भी लिख के ले लो और तुम्हारा एक्चुअल फ्यूचर पता है कहां डिसाइड हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल फ्यूचर यही डिसाइड हो जाता है कि जब तुम ग्रुप वन देते हो या ग्रोथ ग्रुप देते हो यहां तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो गया एज गुड एज डिसाइड हो गया अनलेस इसके बाद बहुत ऑर्डनरी कुछ नहीं कर सकते और तुम ये बोलोगे नहीं सर मैं इंटर के बाद एक ग्रुप पास करके बहुत एक्स्ट्रा करूंगा अगर देखो एस्ट्रा करना है तो यही करना बेटा और ये इजी एक्स्ट्रॉर्डनरी है आगे जो करेगा वो फटके हाथ में आने वाला एक्स्ट्रॉ रहेगा तब तू कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा तेरे को खुद को नहीं पता पर ये इजी एक्स्ट्रा है ये चीज को याद रखना कुछ लगता है इसलिए बोल रहा हूं इस केस में आपको कुछ भी बुरा लगा होगा तो I am very sorry। आपको संभला हूं खुद को देखा है खुद के घर में खुद को पराए जैसे रहते हुए देखा है सीए फाइनल होने के बाद में ऐसा एक दिन नहीं था जब खुद को कोशा नहीं होगा एक दिन भी नहीं था जब खुद कोसा नहीं होगा सबके सामने हैप्पी फेस लेके चलना पड़ता है जब अटेम्प्ट लगता है रिलेटिव आके पूछते हैं बाजू वाले आके पूछते हैं क्या हुआ तू तो, तो सी ये कर रहा था हां जब बन जाओगे तो तुम सिर उठा के चल सकते हो उसमें कोई डाउट नहीं है पर जब पूछते हैं ना तो ऐसे हंसी बनानी पड़ती है और दिखानी पड़ती है सबको ये चीज को याद रखना ये तुम्हारे ऊपर नौबत ना इसलिए अभी से पढ़ो अभी से होमवर्क करो तुम्हारी अटेम्प्ट ड्यू है मे के अटेम्प्ट का भरोसा नहीं है कोरोना कोविड चल रहा है और कौन सा एखाद डिसीज आए जिंदगी में कब लग जाएगी किसी को भरोसा नहीं है तो अभी से पढ़ो अभी से चलो तुम्हारे लाइफ में जिनका मे एग्जाम था ना जो जिन्होंने अभी नवंबर में फाउंडेशन दिया मे एग्जाम कैंसिल हो गया इस वजह से उनको तो छह महीने वैसे ही लग गए तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है लाइफ के छह महीने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई है अगर तुम लाइफ के रिटायरमेंट में चालीस पचास लाख पर अनम कमाने वाले हो ना तो तुमको पच्चीस लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी लग चुकी है क्योंकि छह महीने तो इंस्टीट्यूट ने वेस्ट करवा दिए तुम्हारे या कोविड ने वेस्ट करवा दिया पच्चीस लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अब पच्चीस लाख में तुम्हारी असीड बनती है तुम्हारे गाँव में एक घर घनता जो तुम तुम्हारे माँ बाप को गिफ्ट कर सकते ये तुमको ऑलरेडी लग चुका है तो जिनके छह महीने एक्स्ट्रा लगे ना मे अटेम्प्ट वाले नवंबर में डिसंबर में दिए उनके पास ऑप्शन नहीं है तुम जितने जल्दी से बन सकते हो बस तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है पच्चीस लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग चुका है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस दिन जॉब ज्वाइन करूंगा उस दिन के पैकेज का मत गिनना यह बेवकूफी मत करना ठीक है अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिस दिन रिटायर हूँ उस दिन मैं क्या कमाऊंगा क्योंकि अगर तुम छह महीने डिले ज्वाइन करोगे तो छे महीने जल्दी रिटायर हो रहे हो तो उस दिन तुमको क्या पैकेज है उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट होता है समझ में आ रहा है तो ऐसे फालतू का पांच लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह मत गिनना है टुच्चे सी चीजें करने के लिए सीए नहीं कर रहे अपन ढाई लाख का अपॉर्चुनिटी लग गया दो लाख का अब है अपॉर्चुनिटी गिनना है वो भी बड़ा गिनो जरा जिंदगी के अंदर ये चीज को याद रखना ठीक है शायद मैं इतना सब कुछ इसके बाद में बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा आई डोंट नो पर जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे बोलने की जरूरत नहीं बेटा जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे ये तुम्हारे सामने है और ऐसे ये तो मेरी स्टोरी है आने वाले पीरियड के अंदर मैं तुमको ऐसे ऐसे स्टूडेंट की स्टोरीज बताऊंगा कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगे खुद के ऊपर आएगी जरूर आएगी ऐसे लोग ऐसे लोग एक मेरा ही मौसीन करके बंदा था मोहसिन था मेहनत मतलब क्या मेहनत क्या तुम, तुम नहीं कर सकते मैं भी नहीं कर सकता मैं बोलता हूं मैं इतना इस लेवल पर फिर भी मैं बोलता हूं मैं नहीं कर सकता एक और लड़की थी एक और लड़की थी मेहनत मतलब तुम अपन कुछ ही नहीं कर रहे हैं तुम समझ जाना जब उनके स्टोरी बताओ ये तो तुम्हें ये सुनने के बाद अगर तुम्हारी फटके हाथ में आएगी ना उस दिन तो तुम्हारी ऐसी इच्छा हो जाएगी कि गले को फांस लगा के निकल लू यहां से दो तीन गोलियां लेकर निकल लू यहां से ये इच्छा हो जाएगी तुम्हारी उन लोगों की स्टोरी सुनोगे तो मैं कुछ ही नहीं हूं उनके सामने मैं कुछ ही नहीं हूं आज तो मैंने सिर्फ ये बोला जो मेरे साथ हुआ उन लोगों के एक्सपीरियंस में तुमको बोलूंगा ना उनके इंटरव्यूज लिए है मैंने बकायदा सब बच्चों के सामने क्लासरूम के सामने सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को गाइडेंस मिले कि मेहनत कैसे की जाती है और मोहसिन बंदा जो तुम देखे ना तुमको समझ में आएगा दर्शन खरे क्यों बोल रहा है दर्शन खरे क्यों इतनी चीज और तुमको लगता है कि तुम ये ये सब चीजें इतने आसानी से कर जाओगे और जिसको भी ये लगता है ना कि ये सब मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं ये सिर्फ मेहनत करने मेरे मोम डैड से पूछ लेना मेरे जितने भी लोग करीबी है ना उनसे पूछ लेना वो सब इस चीज के गवाह है वो सब इस चीज का गवाह है

मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम रूल बहुत सिंपल है रूम मतलब फिजिकल रूम मत ले लेना रूम का मतलब तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है अगर उन सब लोगों को एक रूम में बिठा दिया जाए तो उसमें बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा अब देखो ना फर्स्ट सीए फाउंडेशन में मेरा जो दोस्त था वो फर्स्ट टॉपर आया था शार्प पर मेरे को मालूम है कि मैंने सीए फाउंडेशन में खुद का हाथ दिया मेरे को मालूम है यहां मेरा रिजल्ट तीन मार्क का होगा सिर्फ सिर्फ तीन मार्क का होगा पर मेरे को मालूम है कि मैंने जो मेहनत किया वो शायद कोई और कर नहीं सकता था शायद ही कोई और करता जिस दौर से हम गुजरे हैं ना बेटा अगर तुम गुजरते तो गुजर जाते समझ में आ रहा है जिस दौर से हम गुजरे हैं अगर तुम गुजरते तो गुजर जाते ऐसा दौर करना है ऐसा लाइफ में दौर लाना है कि जिस दौर से तुम गुजरे हो कोई और गुजरता तो गुजर जाता तो लाइफ का मकसद है आज मैं स्टोरी बता सकता हूं क्योंकि स्टोरी बनी है तुम्हारे पास क्या रहेगा बताने के लिए वही चीज है जो नुक्कड़ के चाय के टपरी के ऊपर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाई अभी वो स्टोरी है अगर तुमको हंसने के लिए भी दूसरे की खिल्ली उड़ानी पड़ती है ना तो, तो तुम्हारी हंसी के ऊपर मुझे डाउट है दूसरे की खिल्ली मतलब हंसने के लिए दूसरे की खिल्ली वही तुम्हारे कि मैंने पार्टी के अंदर क्या किया मैंने लड़की के साथ क्या किया मैंने लड़के के साथ क्या किया मेरा ये हो गया एक ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारी जिंदगी झंड होती है यह स्टोरी नहीं है इनको मैं स्टोरी मानता ही नहीं स्टोरी ऐसी होती है और इससे भी भारी होती है ये तो कुछ चीज नहीं है मैं आगे आगे ऐसे ऐसे लोग बोलूंगा कि फटके हाथ में आ जाएगी जरूर आएगी अपन करेंगे जरूर बताएंगे तुमको स्टोरी रुको क्लास के अंदर थोड़ा सा फिर मैं तुमको बताता हूं कि जिंदगी कैसी जी है तुम अभी तो क्या सीए फाउंडेशन से आए हो कैसा है अभी फाउंडेशन से आए हो मैं पहले दस लेक्चर तुमको बहुत प्यार से रखा है और मैं यकीन पहली दिन तुमको बोला था जो हार्डवर्क करेगा मेरे क्लास में रहना नहीं तो सिर्फ गालियां दे दे के या ऐसा बोल बोल के ही मार दूंगा मत लगाना मेरी क्लास कोई टीचर नहीं है जो बोलेगा तुमको ये पर मैं मैं बोल रहा हूं तुमको तो नहीं मेहनत करने की इच्छा मत लगाना मेरी क्लास मेरे को ऐसे लोगों की पढ़ाने की ही इच्छा नहीं है जो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है मैं दस को पढ़ाऊंगा लेकिन दस के दस लॉ में पास चाहिए सिर्फ दस दस के दस लॉ में पास चाहिए ऐसा पढ़ाऊंगा और उन्हीं से मेहनत करवा के लूंगा और ये वर्चुअल तुमको तुमको अगर लग रहा है ना कि दर्शन सारे वर्चुअल है तो क्या होमवर्क वगैरह चेक करेंगे मैं तो नहीं कर पाऊंगा पर याद रखना कि अगर तुमने नहीं किया और मेरे को कभी पता चला तो मैं तुम मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते और मेरे से तो नजरें मिला ही नहीं पाओगे यह चीज को भी तुमने याद रखना और नहीं तुमको क्लास के अंदर बोल बोल के मैंने मैं मैं सच्ची बोलूंगा कुछ झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी जिंदगी के, के लिए जो भला है वही बोलूंगा उसमें भी कुछ झूठ नहीं बोलूंगा पर मैं बोलूंगा ठीक है यह बात को याद रखना इस चीज को लाइटली मत लेना सीए फाउंडेशन एक परसेंट था दस परसेंट है टेन टाइम्स मेहनत करना है और अब यही तुम अगर एक ग्रुप दोगे एक और सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है यही अगर इंटर में सिर्फ तुम ग्रुप वन दोगे अभी से कुछ लोग बैठ के सोच के बैठे होंगे अगर सौ लोग हैं ना मैं सौ के सौ को पूछना चाहता हूं यही से तुम अगर एक ग्रुप पे शिफ्ट हो गए फाइनल पे क्या तू दो ग्रुप देगा रे क्या ग्रुप दो ग्रुप देगा तू यहीं पे एक ग्रुप लेके बैठा तू क्या फाइनल पे दो ग्रुप देगा और तू अगर फाइनल पे दो ग्रुप देगा नहीं ना बेटा गया तेरा जिंदगी का तू स्ट्रेट अवे समझ ले दो साल तूने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दिया क्योंकि तू एक ग्रुप अगर फाउंडेशन में देगा ना दूसरा ग्रुप तेरे को खुद को मालूम है इंटर पे एक ग्रुप देगा ना दूसरा ग्रुप तेरे को खुद को मालूम है तू कैसे निकालने वाला शिप में जब आर्टिकल शिप में जाते हो ना

बहुत ज्यादा है पर एक महीने में ग्रुप टू निकाल सकते क्या यहां नौ महीने खड़े रहकर तुम ग्रुप वन निकाल रहे हो सिर्फ तो चार महीने में क्या करोगे एक महीने के अंदर क्या ग्रुप टू तु निकालोगे तुम और ऑफिस से जब थक के वापस आओगे ना तो बुक खोलने की तो ऐसी इच्छा नहीं रहेगी सवेरे नौ बजे घसते हुए जाओ शाम को सात आठ बजे तुमको छोड़ेगा ऑफिस आठ से पहले छोड़ेगा ही नहीं तुम पता है क्या तुम वर्कमैन है वो भी मिनिमम वेजेस में मिनिमम वेजेस में वर्कमैन मिलता है आर्टिकल में चार्टर्ड अकाउंटेंट को वही पसंद है क्योंकि उसको मालूम है वो भी वैसे ही पास हुआ है वो उसी तरीके से पास हुआ है अरे भाई तुमको तो भी काम करवाएंगे उन लोगों ने तो झाड़ू पोछा किया है जिन जो लोग तुमको रख रहे हैं उन्होंने तो ऑफिस में झाड़ू पोछा भी किया है कुछ लोगों ने तो ऑफिस खोले हैं सवेरे सवेरे जाके रात को बंद किए है

लिख लो सौ लोग देख रहे हैं ना सच्चा ही बोल रहा हूं लिख लो मेरे से ये नहीं होगा कड़वा बोल रहा हूं पर सच बोल रहा हूं आपको आज जागना है तो जाग जाओ ये वेकअप कॉल समझ लो 16 जनवरी 2021 2020 गया 16 जनवरी 2021 को दर्शन सर सच बोल रहे हैं ठीक है ये रिकॉर्ड कर लेना ये डेट लिख लेना कहीं पे तुम्हारे फ्रंट बुक वगैरह के बुक के कवर पे कहीं तुम्हें लिख लेना और इस चीज को याद रखना जिसने आज दिन वेकअप कॉल ले लिया वो अपना समय बचा लेगा वो बुद्ध ग्रुप अपियर करेगा अगर तुम्हारा फेब्रुआरी में रिजल्ट आया और मार्च से तुमने अगर पढ़ाई शुरू किया याद रखना मेरी बात मार्च से तुमने पढ़ाई शुरू किया ना नवंबर एग्जाम के लिए तुम में से 80 परसेंट बच्चे ऐसे रहेंगे जो मार्च से पढ़ाई शुरू करके नवंबर में सिर्फ एक ग्रुप देंगे ये लिख लेना और फिर तुमने देखना आर्टिकल थ्री में तुम्हारी क्या वाट लगती है और फिर तुमने देखना जिंदगी में भी क्या वाट लगती है क्योंकि जब तुम जॉब के लिए जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो जब रिज्यूमे लेके जाएंगे जब दिखाएंगे कि ए इंटर ग्रुप वन इस साल पास हुआ सी इंटर ग्रुप टू दो में पास हुआ वो तो दिखेगा ना रिज्यूम पे तो सब लिखना पड़ता है वहां तो इंटरव्यू में पूछेंगे भी तुमको कि भाई कितने अटेम्प्ट लगे बोलना भी पड़ेगा क्योंकि वो तो उसके बाप की कंपनी अपने बाप की तो है नहीं तो जब तुम जॉब के लिए रिज्यूमे लेके जाओगे जब लिखोगे दो हजार इक्कीस में सीए इंटर ग्रुप वन पास किया अगर पास किया तो और सीए इंटर ग्रुप टू दो बाईस में पास किया, तो सबसे पहले तो ये सोचेगा कि यह बंदा मेहनती है या नहीं है यह बंदा स्मार्ट है या नहीं है इसको समय की परवाह है या नहीं है क्योंकि तुम्हारी समय की परवाह तो रिज्यूमे पे लिखी है और तुमने अगर ग्रुप वन ही सिर्फ सीए इंटर में दिया है तो फाइनल पे तो तुम एक ही ग्रुप दोगे ना और फाइनल पे एक ग्रुप दोगे तो दो हजार चौबीस में ग्रुप वन फाइनल तुमे दो हजार पच्चीस में वो पास होगा दो हजार छब्बीस में ग्रुप टू पास होगा अभी यही तो तुम्हारे चार साल निकल लिए यही से मैंने गिनवा दिया

यहां चीज यूज करो अब इक्कीस बाईस साल की उम्र में सीए बनोगे ना करने के लिए दुनिया है एमपीएससी यूपीएससी कर सकते हो आई अहमदाबाद से एमबीए कर सकते हो क्या नहीं यूएसए यूएस का सीपीए कर सकते हो यूके का सीपीए ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हो दुबई में जॉब कर सकते हो क्या नहीं जॉब तुम अगर प्रैक्टिस भी करना चाहते हो प्रैक्टिस सेट करने के लिए समय मिल सकता है एजुकेशन लो बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है सर्टिफिकेशन कोर्स करो जो किसी ने नहीं किया सी एंड नहीं है यह चीज को याद रखना कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा तो माफ करना आई गेस मैं पिछले एक घंटे आई एम वेरी सॉरी पिछले 40 45 मिनट से बोले ही जा रहा हूं पर मेरे को ऐसा लगा होमवर्क ना करना ना बेटा मेरे को इस चीज से बहुत नफरत है इस चीज से मेरे को बहुत नफरत है बहुत मेरे को समझ में ही नहीं आता एक क्वेश्चन मैं अभी यहां पढ़ा रहा हूं ना स्टूडियो में मेरे को मालूम है उधर मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद बारह साढ़े बारह बजे खाना खाता हूं करके उधर मेरी माँ मेरे लिए आज भी खाना बना रही है और याद रखना तुम्हारी भी मा बना रही होगी यहां तुम पढ़ रहे हो ना मेरे साथ किचन में जाके अब भी देखो अब भी देखो तुम्हारी मां या कोई कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा होगा नहीं मां किचन में खाना बना रही होगी तो तुम्हारे पापा कहीं तो भी जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस पर बैठे होंगे अभी वो आदमी वो औरत खुद को पीछे नहीं हटा रहे तो तुम कौन होते हो तुमको किसने हक दिया पीछे हटने का या इस चीज को केयरलेस लेने का एनी वेस आई होप सो आज आप समझ गए होंगे मेरे को नहीं पता तुम समझे नहीं समझे हो पर मैच्योर बनो खुद के फैमिली को संभाल सको इस कदर मैच्योर बनो आज पूरा फैमिली लेके रहता हूं मैं पूरा फैमिली मैं फैमिली के सिवा रह नहीं सकता मेरे मॉम मेरे डैड मेरे साथ रहते हैं मेरे घर पर कई बार मेहमान आते हैं साढ़े चार का अपार्टमेंट लिया है ठीक है पुणे सिटी के सेंटर में पर ये खाने के काम नहीं है ऐसा नहीं है फुकट का पैसा आया इसलिए किया और किसी से एक पैसा ज्यादा लिया भी नहीं है जिस भी स्टूडेंट ने आज तक मेरे को ये बोला है ना सर तुम्हारी टीचिंग मेरे को पसंद नहीं आई हर एक का पैसा रिफंड किया है हर एक का आपको एविडेंसेस मार्केट में मिलेंगे भी कि हराम का पैसा कभी कमाना भी नहीं था अपने को भाई हराम का पैसा नहीं कमाना है किसी को अपना टीचिंग पसंद नहीं आया किसी को बुरा लगा ले भाई पैसे खत्म कर बात को ठीक है हाँ समय मैंने लिया पर उसके अंदर मैंने कुछ दिया भी होगा देखो तो ये चीज है आज खुद का लेके बैठा हो और पैशन से पढ़ा रहा हूँ मॉम डैड घर पर रहते हैं बेटा है बीवी है लाइफ में सब कुछ है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है एक ही पैशन है वो है टीचिंग इसको तुम ना खराब करो प्लीज ना खराब करो और मेरे लिए तुम्हारे लिए बोल रहा हूं सीए बन जाओगे जब आओगे मेरे पास खुशी होगी तुम्हारा सीए बनने के बाद पहला जो पेन है ना पहला साइन करने का पेन मैं देगा पारकर मेरे से लेके जाना जरूर ठीक है किधर भी हो मेरे से लेके जाना पुना हाँ उसके लिए पूना आने पड़ेगा क्योंकि तुम सीए बने हो ये देख के मेरे को खुशी होगी बहुत ज्यादा खुशी होगी सिर्फ दो ही लोग हैं जो तुम्हारे सीए बनने पर खुश होने वाले हैं बेटा ये चीज को तुमने याद रखना तुम जिस दिन सीए बनोगे ना तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा सिर्फ दो ही लोग हैं दो कैटेगरी के लोग जो तुमसे खुश होंगे पहला तुम्हारे पेरेंट्स और दूसरा तुम्हारा टीचर दोस्तो खुश नहीं होता रिलेटिव बिल्कुल नहीं होते दोस्त हाँ दोस्त को भी दोस्त होगा खुश दोस्ती दोस्त दिखाएगा क्योंकि वो मजबूर है है पर दोस्त जब पास होता है ना थ्री इडियट्स का डायलॉग है दुख तब होता होता है है जब दोस्त फेल होता है, पर उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त पास होता है और तुम फेल होते हो ये उससे भी बड़ा दुख है ये चीज को तुमने याद रखना तो दोस्त है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं दोस्ती पे शक नहीं कर रहा वो तुम्हारे बुरे समय में भी काम में आएगा तुमको पढ़ाने में भी काम में आएगा पर बुरा तो लगेगा कि तुम्हारे साथ वाला दोस्त पास हो गया पर तुम पास नहीं हुए उसमें कुछ निगेटिव माइंड नहीं है पर असली में खुश जो दो लोग होते हैं वो वही है तुम्हारे पेरेंट्स है और हम हैं हम ही रिलेटिव नहीं होते खुश रिलेटिव तो ये सोचेंगे ये भी पास हो गया मैं कुछ नहीं था मैं जो भी हूं आज सीए की डिग्री मिलने के बाद हूं तब जाके मेरे को लोग पूछते हैं नहीं तो मेरे को लोग पूछते भी नहीं थे ना ही पूछेंगे आगे अगर मैं सीए नहीं रहा तो ये चीज को तुमने अच्छे से याद रखना आई गेस ठीक है अभी तो पढ़ाने का टेम्पो नहीं है अभी ज्ञान फेलने का ही टेम्पो था तुमको फेल दिया इसमें से तुमको कुछ भी बुरा लगा होगा आई नोट नो चौदाहवा लेक्चर है आज का इसमें से तुमको कुछ भी बुरा लगा हो मेरे को माफ़ कीजिएगा कोई गड्ढे में डालने की तुमको इच्छा नहीं है तुम्हारी लाइफ बेटर बने इसलिए बोल रहा हूँ और खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दूसरों के एक्सपीरियंसेज तो अभी तक मैंने शेयर नहीं किए आगे क्लास में ज़रूर शेयर करूंगा जिससे तुम कुछ सीख पाओ बस आगे से इतना काफी करते हैं आज के लिए आई डोंट नो सवा घंटा हो भी चुका है बट ठीक है वेरी सॉरी कंटेंट थोड़ा सा मिस हो गया बट होमवर्क नहीं किया ना बेटा बहुत दुख होता है जब देख रहा था मैं कि भाई सत्तर बच्चे लाइव थे और सत्तर में से सिर्फ दस ने डाला था कि होमवर्क किया है क्या बोलू मैं यार क्या बोलूँ और इसलिए तो पासिंग परसेंटेज दस ही आप सोचो अभी सौ बच्चे लाइव है और सौ में से सिर्फ दस ने लिखा था कि उन्होंने होमवर्क किया है सिर्फ दस ने लिखा था उन्होंने होमवर्क किया है क्या बोलू मैं यही पासिंग परसेंटेज तुम बोलते हो ना का पासिंग परसेंटेज, दस परसेंट क्यों है इसी वजह से देखो 115 बच्चे देख रहे हैं अभी भी देख लो 115 बच्चे देख रहे हैं पर उसमें से सब 10 से 15 लोगों ने लिखा होगा कि उन्होंने होमवर्क किया है यही पासिंग परसेंटेज है तुमको पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट का गेस करने के लिए कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है यही दिख जाता है यही पासिंग परसेंटेज है तुझे तो नहीं किया पेनोल्टी तो भी एक्सेप्ट कीजिएगा जब पेनोल्टी लगती है ना तो इंसान सीरियस होता है जिसने होमवर्क नहीं किया प्लीज मेरी दरख्वास्त में तुम्हारे पैर पढ़ लूंगा अगर इस चीज को पढ़ना पड़े तो आज ही मैं तुम सबके पैर पढ़ लेता हूं मेरे मेरे ऊपर एक फेवर करना मेरे लिए करना चाहिए तो मेरे लिए एक एक तुम्हारा टीचर तुमसे कोई चीज मांग रहा है है आज ठीक मेरे ऊपर सिर्फ एक फेवर करना कि चुपचाप होमवर्क करना मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो और नहीं भी कर रहे हो किधर भी पढ़ रहे हो मेरे को छोड़ के तो भी चुपचाप क्लास ज्वाइन कर रहा मैं मेरे तरफ से मेहनत में एक भी कमी नहीं रखूंगा तुमने भी तुम्हारी तरफ से मेहनत में एक भी कमी नहीं रखना दोनों मिलके करेंगे दोनों मिलके करेंगे पर करना जरूर है तो तीन टाइम्स आज तुम्हारी पेनल्टी है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया टाइम्स उस सवाल का जवाब लिखना है तुमको तीन बार लॉ लिखने पड़े प्लीज डू इट ठीक है खुद की पेनॉल्टी खुद लो कर्मा कर्मा है कर्मा सही सही टाइम पे जगह पे निपटाना है क्योंकि वो बाद में कितना भी तुमसे लूट सकता है अगर तुमने सही टाइम पे नहीं निपटाया तो आई होप सो तुम समझ गए होंगे इससे ज्यादा मुझे बोलने की प्लीज जरूरत ना पड़े हाँ मैं कुछ बोलूं भी ना अगर तुमको कुछ भी मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग बोलूं तो मैं खुद की खुशी से बोलूं मैं मजबूरी में ना बोलूं सिर्फ इतना ट्राई करना खुद की खुशी से बोलूंगा ना तो बहुत अच्छे से बोलूंगा आज थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूं ऐसा समझ लो या थोड़ा डिप्रेशन में बोल रहा हूं कि यार मैं यहां पर मेहनत कर रहा हूं तो क्यों बच्चे नहीं कर रहे आई होप इसको समझ गए होंगे आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर यहां पे मैं काफी करता हूं आई होप सो आप समझ चुके होंगे मेरे को क्या कहना है या मेरी तड़प क्या है बिकॉज दिस इज पैशन मतलब मेरे पास एडमिशन चलो कोई दिक्कत नहीं तुमको लग रहा है दर्शन सर मनी के लिए कर रहे हैं मतलब मेरे पास एडमिशन किसी और से सीखो पर जो मैं सीख हाथ देके तुमको जा रहा हूं ना उसको प्लीज कैरी करना प्लीज हाथ जोड़ के बिनती है ये तुम किसी के भी क्लास में कैरी करोगे ना तो भी तुम्हें बेनिफिट ही होगा ये भी मैं बोलता हूं आपको ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और एक क्लास बहुत अच्छे से चलते रहेगी दर्शन खरे साइनिंग आउट गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक केयर आज ये नहीं बोलूंगा कि बताना कैसा लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जितना बोला उसका कुछ शो ऑफ हो हाँ ठीक है आपको जरूर ऐसा लग रहा है कि आपको रियलाइजेशन है और आप उसको कमेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा उसको मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा अगर आप कमेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस करो तो मैं पढ़ के खुश हो जाऊंगा कि हां नहीं होमवर्क में एटलीस्ट बच्चा यहां तो सीरियस हो रहा है कि उसको रियलाइज हो रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है अगर आप वो भी बोल सकते हो तो आई विल भी वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक केयर